दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय प्राची खुशी के साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। और वहीं रणवीर की बात की जाए तो रणवीर और भी ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फाइनली रणवीर के जीवन में दो दो खुशियाँ आ रही हैं। पहली बात तो उसकी बेटी खुशी मिल रही है उसको कस्टडी, और सेकेंडरी चीज़ प्राची की फिर से वापसी हो रही है रणवीर कोहली की लाइफ में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये दोनों जो अलग हुए थे अब फाइनली ये दोनों एक होने जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वहीं प्राची का मानना ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ हम अपने एटीट्यूड से ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रणवीर की जीवन में जो नई मुसीबत आ रही हैं वो नई मुसीबत बता देना चाहता हूँ कि कौन है। जी हाँ, वो नई मुसीबत एक बार फिर से काया आने जा रही है, और काया आने के बाद में आप लोग जानते ही हैं कि काया सीधा सीधा रणवीर से बोलती हुई नज़र आने वाली है कि रणवीर मैं किसी भी तरीका से तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूँगी, तुम्हारे साथ भी रहूँगी, और जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त रणवीर बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं कि आखिरकार इस नई ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि नई ज़िंदगी में कितने तूफान आने अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। और तूफान आने की बात की जाए तो इस समय रणवीर को इतना भी पता है कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही कहानी में एक नया एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसमें रणवीर खुद बोलता हुआ नज़र आने वाला है कि ये जो सब कुछ मेरे ऊपर सहन हो रहा है मैं बिल्कुल भी कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों वाकई में आप लोग जानते ही हैं कि काया इस समय रणवीर के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करती हुई नज़र आने वाली है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें।